हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मु मशरूम को लेकिन गोटे रेसीपी बनई जहाँ को कि देखी पारुथिबे केते टेस्टी देखा जाउछि, जहाँ कि यार टेस्ट मध्य होटल किंबा रेस्टोरेंट परिका हेछि। यार ग्रेवी मध्य बहुत सुंदर हेछि। तबे चालंतु बनेबा आजर रेसीपी मसाला मशरूम। एही रेसिपी को बनेबा पई मु एठी हाफ के जी मशरूम नै छी। एही बॉटम मशरूम को काटी की ताकु धोई की मु सफा करी की रखी छी। एहा को एमिति मु मीडियम साइज रे काटी छी। मशरूम रो साइज एठारु बडो मध्य काटी की नै परिबे। एहा को मु प्रथमे हल्का टिके फ्राई करनेबी। सेथि पई मु गैस ऊपर गोटे कढ़ाई को बसई की सेथि गोटे चम्मच तेल को गरम करनी छी। कढ़ाई टी भलो भाबरे गरम हे गेला परे काटी रखी थिबा मशरूम को सेथि रे दे देली। एथिरे हाफ चमच लुण देदेली, हाफ चमच हलदी मध्य ऐड कर देली। एबे लुण एवं हलदी को मशरूम सहित भल भाव गोलैनेबी। एहा को मु अधिक फ्राई करिबिनी, मशरूम रे थिबा एक्स्ट्रा पानी बाहर पर्यंत एहा को मु फ्राई करिबी। काहेकी ना एथिरे पानी रही गले तरकारी रो टेस्ट भल लागिव नहीं। एहा को फ्राई करिबा भितरे मु एपटे मसला को रेडी करनेबी। मसला पई मु एठी अदा एवं रसुण को नेइछि, ता सहित गोटे बड़ साइज रो टमाटो एवं गोटे कंचा लंका को नेइछि। तरकारी रे भल ग्रेवी बनेबा पई मु एठी किछि काजु नेइछि। ए सब को वर्तमान मु गोटे फाइन पेस्ट बनई नेबी। देखंतु एहा को मु एबे बाटी सल्ली। मसाला पेस्ट वर्तमान रेडी हे गला। एबे मशरूम मध्य हल्का फ्राई हे गलानी, एहा को गोटे प्लेट रे खोली नेबी। एठी मु दुईटी बड़ साइज रो प्याज को काटि के रखीछि। एहा को मध्य सेही मसाला ब्लेंडिंग जार रे दरदरा करी टिके पेसई नेबी, जहाँ फलर कि ग्रेवी रो टेक्सचर टा बहुत भलो आसीबो। एहा को बाटिला बळे एथरे मु पानी देबिनी। देखंतु एहा को एमिति मु दरदरा करी कि बाटी नेली। एबे मु गैस ऊपर गोटे कढ़ाई को बसई नेछि, सेथरे 3 रु 4 चम्मच तेल देकी गरम मध्य करनेली। सेथरे हाफ चम्मच जीरा ऐड कर देली। जीरा भलो भाबरे फुटी गला परे सेथरे बाटी रखीथिबा प्याज को ऐड कर देली। वर्तमान मु प्याज को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भल भाव फ्राई करी। प्याज को 2 मिनिट पर्यंत भल भाव फ्राई कर सारा परे सेथिरे गोटे चमच काश्मीरी चिली पाउडर को ऐड कर देबी। एथिरे तरकारी रो कलर बहुत भल आसे। काश्मीरी चिली पाउडर दे सारा परे एहा को मु 30 सेकंड पर्यंत भल भाव फ्राई कर नेबी। देखि पारुथबे तार कलर मध्य केते सुंदर देखा जाउछि। वर्तमान एथिरे बाटी रखीथिबा मसाला पेस्ट को ऐड कर देबी। ए सब को मध्य भल भाव 2 मिनिट पर्यंत फ्राई करी। एबे एथिरे हाफ चमच हलदी गुंड ऐड कली, गोटे चमच धनिया पाउडर दे देली, 2 चमच कस्तूरी मेथी को ऐड कली, हाफ चमच जीरा गुंड को देली। मसाला सब को दे सारा परे एहा को मु 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भल भाव कसी नेबी, जेमिति कि सब मसलार कंचा स्मेल पळई जिवो। एबे एथिरे हाफ चमच मीट मसला को ऐड कली। मीट मसला तरकारी रो टेस्ट को बढ़े दे थाए। मसला भल भाव कुक हवा पई सेथिरे हाफ कप पानी दे देली। देखि परुथिवे मसलार ग्रेवी एटी केते सुंदर देखा जाउछि। मसला रे क्रीम रो टेस्ट आनिबा पई एठी मु गोटे बाउल रे 4 चमच अमूल लेइछि, सेथिरे अल्प गरम पानी देकी ताकु भल भाव गोळे नेइछि। एबे सेही अमूल खीर को एथिरे मु ऐड कर देबी। तरकारी रे टेस्ट आउ टिके भल आसीबा पई एथिरे हाफ चमच चीनी मध्ये ऐड करि परिबे। चीनी पूरा पूरी ऑप्शनल अछि, जदि आपण मानकु मीठा पसंद नै ताले आ को स्किप मध्ये करि परिबे। देखि परुथिबे एठी मसाला मशरूम पई ग्रेवी एठी केते सुंदर भाबरे प्रस्तुत हे गला। मसाला एठी पूरा पूरी भल भाबरे कसी मध्ये हे गलाणी। देखंतु मसाला रु तेल एठी पूरा पूरी छाडी आसलाणी। एबे एथिरे फ्राई करिके रखीथिबा मशरूम को ऐड कर देबी। वर्तमान ए सब को भल भाव गोटे मिनिट पर्यंत कसी नेबी। टेस्ट अनुसार लुण ऐड कर देली। एबे एथिरे झोल जेतिके दरकार सही अनुसार पानी मध्ये ऐड कर देबी। एठी मु हाफ ग्लास पानी देली, काहेकि ना मु एठी मसाला मशरूम को बेसी झोल बनेबिनी, एहार टेक्सचर को मु एमितिका रखिबी। सेथिपाई मु तरकारी फुटिबा पई आउ अल्प टिके पानी दे देली। वर्तमान एहा फुटिबा पई 2 मिनिट पर्यंत छाड़ी देबी।
देखिपे तरकारी ये भल भाव फुटिगला हाफ चामच गरम मसला को आड करदेली। बर्तमान ये प्रस्तुत हो गला होटेल स्टाइल मसाला मशरूम। देखु मु झोलर टेक्सचर को यहीपरी भाव रखी। बर्तमान मु गैस फ्लेम को बंद करदेवि और गोटे सर्विंग बाउल को सर्व करनेबी। मुझे क्रीम यूज करनी किंतु यार टेस्ट पूरा पूरी क्रीम देला परीक्षा लगे। देखु मशरूम तरकारी ये केते सुंदर देखा केते टेस्टी देखा जाकु आम सबु साइड डिश आकार खाईपर। आशा करूँ आज मोर ए रेसीपीटी आपण मानक बहुत भल लगी। जदि मोर भिडटी आपण मानक भल लगी तेल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करे। एवं एही रेसिपीटी को एमितिका थरे घरे निश्चय ट्राए करिवे। एहा केमितिका लागिला आपणको अनुभव मो कमेंट बॉक्स रे शेयर करिवे। तेबे आजि पई रहउछि पुणी देखा हबो नेक्स्ट गोटे वीडियो रे। बाय बाय। थैंक यू।